हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा यादव। वेलकम टू रेखा किचन। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं, आपके फैमिली में सब अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ तिल वाले फ्रेंच बीन्स, और बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, तो ज़रूर बनाइए, हेल्दी भी होती है। तो देखते हैं इसमें क्या लगता है और कैसे बनता है। ये मैंने लिया है बीन्स, और इसे मैंने छोटे ऐसे टुकड़ों में कट करके बॉईल कर लिया है। ये है 200 ग्राम। ऑयल लेंगे हम 2 टेबलस्पून, और ये मैंने 4 बटाटा लिया था, उसे भी आलू उसे मैंने बॉईल कर लिया है और इसे क्यूब्स में कट कर लिया है छिल के। और ये मैंने 2 छोटे कप मैंने हरा प्याज लिया है, और प्याज के साथ जो ग्रीन उसका होता है और जो प्याज होता है वाइट वाला भाग पोर्शन, वो भी हमें साथ में कट कर लेना है। ये 2 कप है हरा प्याज। और ये मैंने लिया है मिर्ची पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून एक बड़ा, और जीरा 1 टेबल स्पून, तिल लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, और 2 से 3 हरी मिर्च लिया मैंने, नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, और ये मैंने लिया है टमेटो 1 बड़ा, उसे कट कर लिया है मैंने। तो देखते हैं कैसे बनता है। तो ये मैंने गैस को ऑन कर लिया है, गैस पे कढ़ाई रख लिया है, और इसमें हम डालेंगे ऑयल, 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं। तो ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। तो ऑयल हमारा गरम हो गया है, और इसमें हम डालेंगे जीरा, और जीरा को अच्छे से कूटने देंगे, और इसके साथ में इसमें हम डालेंगे तिल, और गैस को मीडियम रखेंगे और इसे हम भून लेंगे। और तिल आप कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप ज़रूर डालें। थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आता है। तो अच्छे से जीरा और जो हमारी ये है फूट गए हैं तिल, और मिर्ची डाल देंगे, और इसे भी हम भून लेंगे, और इसमें हम डालेंगे हरा प्याज। तो ये मैंने प्याज को थोड़ा सा भून लिया है, और हरा प्याज जो भी आप कट करके अच्छे से 3-4 पानी से धो लीजिए, उसके बाद बारीक कट करना है। और इसमें हम डालेंगे बीन्स जो हमने बॉईल किया है, फ्रेंच बीन्स आता है वो लिया है मैंने, उसे मैंने बॉईल कर लिया है, अच्छे से धो के कट करके आप बॉईल कर लीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, और बेल बटन ज़रूर दबाएँ। और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम डालेंगे नमक, और नमक ध्यान से स्वाद के अनुसार डालिए, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा हम इसे पका लेंगे। तो इसे मैंने कम से कम 2 से 3 मिनट चलाते हुए पका लिया है, और इसमें हम डालेंगे बॉईल किया हुआ आलू बटेटे, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से हमें मिला लेना है, और इसके साथ में इसमें हम डालेंगे टमाटर, उसे भी हम मिक्स करेंगे। ये सब्जी को आप गर्मा गर्म रोटी के साथ में सर्व करिए, बहुत अच्छा लगता है खाने में, हेल्दी और टेस्टी सब्जी होती है, तो ज़रूर ट्राई करें। और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगे, और गैस को कम कर देंगे, कम आंच पे इसे हम पकाएंगे, कम से कम 5 मिनट। तो इसको मैंने थोड़ा सा धीमी आंच पे पका लिया है, और इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, और मिर्ची पाउडर, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। तो ये मैंने 2 से 3 मिनट तक इसे पका लिया है, जो हमारी सब्जी है अच्छे से पक गई है। तो इसे हम बंद कर देंगे और सर्व करेंगे, गैस को ऑफ कर देते हैं।
तो ये मैंने एक सर्विंग डिश में निकाल लिया है, थोड़ा सा मैंने तिल से गार्निश कर दिया है। तो ये हमारे तिल वाले फ्रेंच बीन्स बनके तैयार हैं। आप बनाइए, गर्मा गर्म चपाती के साथ में सर्व करिए। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और मेरा वीडियो देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। और देखिए कितनी टेस्टी सब्जी बनी है और बहुत हेल्दी भी है, तो ज़रूर बनाइए और पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करें। और फिर से मिलती हूँ नए रेसिपी में। बाय फ्रेंड्स।